साथियों, हमारे साइंटिस्ट ने, आप सभी ने हमेशा मानवता की भलाई के लिए हमेशा अपना योगदान दिया है। जिन क्षेत्रों में आपने बेहतर काम किया है और जो देश के सामान्य मानवीय के जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसमें से एक है हमारा फार्मा सेक्टर भी। फार्मा के मामले में भारत आज दुनिया का छठा सबसे बड़ा मार्केट है और दुनिया का तीसरा सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। आज भारतीय दवाएं 200 से ज्यादा देशों में निर्यात की जा रही है। साथियों, हमारे फार्मा सेक्टर के विकास के पीछे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब्स यानी CSIR लैब्स जैसी तकनीक की ताकत है। CSIR लैब्स को इस बात का भी पूरा क्रेडिट जाता है कि दुनिया में मिलने वाली महंगी दवाएं आज देश में बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है। उनके पास जो दवा बनाने का ज्ञान है और भारत के जंगलों में जो दवा से जुड़े पौधों का खजाना है, उसे CSIR का और अधिक विस्तार तय है। मैं समझता हूं कि अब हमारे फार्मा सेक्टर को और बायोटेक को और गति देने का समय आ गया है और इसके लिए जेनरिक्स और बायोसिमिलर्स की उपलब्धियों में इनोवेशंस को जोड़ना होगा। साथियों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा किया जा रहा एक और प्रयास सराहनीय है, एरोमा मिशन। एरोमा मिशन के जरिए जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में अपना वो पहुंच बढ़ा रहा है और मुझे बताया गया है कि पिछले 18 महीनों में देश भर में करीब 3000 हेक्टेयर भूमि पर एरोमेटिक प्लांट्स की खेती को पहुंचाया गया है। इसके लिए CSIR की पूरी टीम बधाई के पात्र है। एरोमेटिक प्लांट्स के अलावा बायोफ्यूल के मामले में भी CSIR बड़ी भूमिका निभा रहा है। CSIR ने जो एविएशन बायोफ्यूल बनाया है उसका सफल ट्रायल भी हो चुका है। 27 अगस्त 2018 को पहली बार देहरादून से दिल्ली तक यह जहाज उड़ाया गया था। इससे भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो बायोफ्यूल से जहाज उड़ा सकते हैं। सिर्फ सिविल ही नहीं बल्कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर हमारी एयरफोर्स के जेट ने भी बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया। साथियों, अब एक नए तरह के फ्यूल की जरूरत पड़ने वाली है। अगले 2 दशक में बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कई नई तकनीक का दौर आने वाला है। ये सारी तकनीक डेटा पर आधारित होगी और इसलिए अब कहा जाने लगा है कि दुनिया में नया ईंधन डेटा ही होने वाला है। इन नई जरूरतों को देखते हुए हमारी सरकार ने नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स अभियान लॉन्च किया है। करीब 3500 करोड़ इस अभियान पर खर्च किए जाने हैं। इसके तहत अगले 5 साल में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बिग डेटा एनालिसिस, क्वांटम कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के R&D को बढ़ावा मिलेगा।